और गाइस मैंने देखा था, मुझे ये कंफर्म करना है काम करता भी है कि नहीं। ओके सो मैंने इस निम्टा को जेब नाम दिया और Yıldızlara müptezel bayan. Armanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Okay, so hello guys, welcome back to my channel Gamers Guru. और ये channel TV channel नहीं है, ये है कि YouTube channel, तो इधर subscribe करना रहता है, so please subscribe कर दो। और एकदम starting में बोल दिए ना, कुछ ज़्यादा ही पहले बोल दिए। हाँ, subscribe इसलिए करो क्योंकि भाई हम Minecraft का survival series कर रहे हैं, जिसमें बहुत interesting चीज़ें होती रहती हैं। Guys, सबसे पहला interesting चीज़ आप लोग के लिए, आप लोग ये देख सकते हैं, ये अपना मेहनत है जो थोड़ा ऑफलाइन है, और थोड़ा सा मेरे फार्म की बदौलत है, और थोड़े पीछे बैकग्राउंड में कुत्तों की बदौलत है। हाँ, उन्हीं कुत्तों की बदौलत। ओके सो, और हाँ, और मैंने बहुत सारी यूनिक चीज़ें की, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे चेस देख सकते हैं, इसके अंदर सारी फिशिंग की चीज़ें होती हैं। और गाइस यस, ऑफलाइन मैंने क्या क्या किया देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ऑफलाइन फिशिंग से पाई हैं, यहाँ तक कि फिश रॉड तक फिशिंग से पाए हैं। एक फिश रॉड था जो मतलब ओरिजिनली हम बनाए थे बिना एन्चेंटमेंट वाला, वो अंदर रख दिए। तो गाइस एक होता है नॉर्मल, यस गाइस ये मेरा है बेसिक फिशिंग रॉड जो मैं यूज़ करता हूँ। गाइस देखिए, लक ऑफ द 3-3, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग 1, लेयर 3। मेंडिंग का एक ही होता है, तो मतलब जो भी बेस्ट फिशिंग रॉड हो सकता है मुझे वो मिला है। और इसके साथ ये सब चीज़ लगाया मिला था गाइस। सो एक सेकंड, क्रीपर कहाँ है, और साले भाई, हाँ सो गाइस इसके ऊपर लगाया था, तो मैं बस यूज़ करते गया और इसका हेल्थ फुल हो गया। और गाइस ये मैं पूरा कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो इन तीनों को भी मैं मिला दूंगा तो डिट्टो यही चीज़ बन जाएगा। और गाइस मैं बो को भी मिलाने वाला हूँ, इस बो में फ्लेम 1, इस बो में है, इस बो में सिर्फ इन्फिनिटी 1 था, और पंच 1 और पावर 2 का एक अलग बो था, सो मैंने उन दोनों को मिला दिया। एंड बचा हुआ है भैया, आप देख सकते हैं, और फिशेज हमें खूब मिले, एक सैडल मिले, हमें 4 नेम टैग्स मिले थे, 2 इधर रखे हैं, और मैं बताता हूँ मैंने बाकी के 2 कहाँ लगाए हैं। और हाँ, एक और चीज़ गाइस, हाँ नया चीज़ आया है, ये देख सकते हैं आप, एंड विल, और इसी के ऊपर मैंने यूज़ करके 2 जगह लगाया था। और क्या था मुझे बताना। और हाँ, बेस्ट चीज़ देखना चाहोगे, एक सेकेंड ये मेरा जो दोस्त है एक, वो देखेगा अगर वो मेरा वीडियो आज देख रहा है, तो भाई देखो स्टार्टिंग में इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम भी देख सको, क्योंकि तुम मेरा पूरा वीडियो देखते नहीं, तुम जानते हो। ओके सो गाइस, ये एनविल के ऊपर हम गए, नेम टैग में गए, ओके और नेम टैग को नेम दिए PRAVEEM, गाइस इट्स अ नेम ऑफ माय फ्रेंड। ओके सो ये नेम टैग हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यूज ही कर रहे हैं, मेरे काम ही आएगा, वेस्ट तो कुछ नहीं है। रात है ना भाई, गाइस रात है, सुबह चलते हैं, देख ही सकते हैं क्रीपर एक मेरे तरफ देख रहा है, सो सुबह चला जाएगा। ओके सो अब चलते हैं हम लोग बाहर। सो गाइस इस वाले विलेजर का नाम है, क्या नाम है भाई, इस वाले विलेजर का नाम है उज्जवल, इस वाले का नाम है आयुष, देख सकते हैं, हाँ देखिए आयुष, और इस वाले बेचारे को कुछ नाम नहीं था। सो लो भाई खुश हो जाओ, और इसका नाम आज से प्रवीण। ओके गाइस लेट मी टेल यू, भाई क्या खुल गया, हाँ इन दोनों का, दिस इज द किड। और गाइस मैंने देखा था, मुझे ये कंफर्म करना है काम करता भी है कि नहीं। ओके सो मैंने इस नेम टैग को जेब नाम दिया, और ये शीप के ऊपर कुछ तो नहीं हुआ यार, कहाँ कुछ हुआ। गाइस मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, देखिए सामने देखिए, गाइस इसने अपने शीप को जेब नाम दिया, और शीप हो गया मल्टी कलर। सो मैं यही करना चाह रहा था, बट अब कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, अब ये शीप हमारे किस काम का, मारेंगे तो नहीं क्योंकि नेम टैग है, लेकिन नेम टैग वेस्ट करवाया है, तो भाई तुम मेरा नेम टैग क्यों वेस्ट करवाया। गाइस एक और प्रॉब्लम है, ये फार्मर जो था मेरा पुराना, जिसको मैंने 3rd लेवल तक पहुँचा दिया था, उसको गलती से मैंने शेफर्ड बना दिया, और वो शेफर्ड बनने के बाद जब वापस फार्मर बना तो बेचारे का लेवल सब चल गया पता नहीं क्यों, और अब उसका डिमांड आलू नहीं है, अब उसका डिमांड कैरेट नहीं आलू है। सो अब मुझे आलू ग्रो करना होगा, ये सब कैरेट हटाना पड़ेगा। सो आलू तो लेते आते हम लोग, पहले कैरेट हट जाए, जब तक ये कैरेट हट रहा है तब तक हम लोग आलू लेके आते हैं, हमारे पास बहुत आलू पड़ा हुआ अंदर निकला है। हमें हमें उस नेम टैग से अपने घोड़े को नाम दे देना चाहिए था,
बट नो प्रॉब्लम गाइस, अब एक ट्रायल किए थे, फेल हो गया, आलू लेने आए थे, सॉरी गाइस, हम भी भूल सकते हैं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ओके, आलू ढूंढा होगा मैं, आलू कहाँ है भाई, आलू कहाँ है, शायद उस वाले जेस में रखा हो जो वहाँ पे ऑटोमेटिक फार्म के पास, एक बार चेक कर लेते हैं वो भी, वो? नहीं यार, इधर भी आलू नहीं है, सो गाइस आलू गया कहाँ? आज का अद्भुत सवाल, गेमर्स गुरु के वर्ल्ड में आलू गया कहाँ? ओके गाइस, मैं एक और चीज़ सोच रहा था, हम लोग इतने टाइम से वर्ल्ड खेल रहे हैं, इस वर्ल्ड को कोई नाम नहीं दिया आज तक यार, सो मैं इस वर्ल्ड को नाम क्या दूँ? गेमर्स वर्ल्ड, अक्रोयोज वर्ल्ड, यस गाइस अक्रोयोज, या फिर अक्रोयो, इस वर्ल्ड का नाम ही अक्रोयो कर देते हैं गाइस, प्लेयर का नाम अक्रोयो, वर्ल्ड का नाम अक्रोयो, ग्रेट भाई, आलू कहाँ गया लेकिन तब भी? कैसे मुझे लग रहा है मुझको उस वाले विलेज में जाना होगा, वहाँ से आलू लेके आना होगा, थोड़ा लंबा दौड़ पड़ जाएगा बट जाना पड़ेगा आलू लाने के लिए, सो चलते हैं उस विलेज, और भाई जाना पड़ेगा तो बेफालतू का मैं उतना दूर का चीज़ नहीं दिखाऊँगा, सो कट करते हैं, और एडिटर भैया, मतलब जो हम जब हम एडिट करेंगे तो फ्यूचर वाले यश भैया प्लीज़ काटते रहिए सब चीज़, सो गाइस चलते हैं हम लोग विलेज जल्दी से जल्दी। ओके गाइस, हम लोग ये नेदर वाली जगह पे वापस आ गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि वापस हम लोग विलेज भी पहुंच गए हैं, बट गाइस एक बात तो कहने वाली है, जब भी इस वर्ल्ड का इतिहास लिखा जाएगा ये तो ज़रूर लिखा जाएगा कि आलू के चक्कर पे मौत झेलनी पड़ी है, और वो भी सिर्फ आलू के चक्कर में। ओके गाइस, तो सामने विलेज है, और अब मुझे लगता है पैदल ही रास्ता याद हो गया, मुझे कोऑर्डिनेट देखने तक की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हमारा सामान इधर ही किधर घर के आसपास गिरा होगा, पहले भाई इधर ब्लॉक्स गिरोंगे, ये सब उठा लें, अपने काम आएगा डर्ट। ओके, सो आलू इधर ही लगा था, मुझको ले कर रातों रात निकल जाना चाहिए था, बट अब मैं इसके सामने तोड़ूंगा, इसको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। ओके गाइस, तो जितना ज़्यादा आलू, अरे भाई ये अपना आलू उठा लिया पूरा, भाई हिट नहीं लगा, सॉरी भाई, आलू उठा लिए तुम, भाई हम उठाने वाले थे यार। गाइस ये कुछ ज़्यादा तेज़ी आ गई इसमें, भाई लूट रहा है ये तो आलू, गिरे इससे पहले उठा लेता है तो। ओके, सो 23 आलू हम लोग ने इधर से उठाया, भाई तुम्हारे पास खूब आलू है, तुम अपना उगा लो, हम लोग अब इधर से जा रहे हैं, डॉट 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 गाइस, लेकिन भाई कोल मांगते हैं, और कोल की कमी तो हमको भी है, कोल की कमी तो हम, मेरे पास तुमसे ज़्यादा है भाई, बल्कि ये डील हम कर सकते हैं, तुम हमको 15 कोल दो, हम तुमको 1 एमरल्ड देंगे। अरे ये रहा अपना सामान गाइस, बेड, अपने पास बेड था गाइस, देख सकते हैं अपने पास बेड था, तब हम पागलों की तरह दौड़ क्यों रहे थे यार, भाई बेड था अपने पास उस समय भी, बट गाइस हम लोग अपने काम से पास नहीं आएंगे। ओके गाइस, हो मेरा ध्यान अभी आया मुझे, गाइस ये घोड़ा किसी को याद है तो बताए, ये भी अपना घोड़ा था यार, इसको हम आज तक नहीं ले गए, तुम इसी विलेज में लग रहा है बस गए थे क्या यार, चलो 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 चला जाए, सॉरी भाई इतना लंबे टाइम तक तुमको वेट करा है, घर चलो तुमको खूब वेट खिलाएंगे। ओके गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं हमारे विलेज बहुत दौड़ने के बाद, और देख सकते हैं आप लोग हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, सो मैं एक राउंड लगा के आ रहा हूँ गोल, यस, और भाई ये डायरेक्शन का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है माइनक्राफ्ट में, कोऑर्डिनेट ऑन करने के बाद भी। ओके एक, 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 चला जाओ, अरे अच्छा अच्छा, ओके गाइस तो हम लोग इसको लेते आए, चलो तो चलो आ जाओ, तुम भी हमारे साथ हो, यहाँ पे गाइस कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया है, देख सकते हैं ये तीसरा घोड़ा है भाई, भाई हटो तो हटो, लो तुम्हारा दोस्त आ गया, इतने सारे लामा की जरूरत नहीं है, हमको चारों को मारना होगा, शबल से मार रहे हैं हम भी महान हैं। ओके गाइस, यस आई नो ये थोड़ा सा गलत है बट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इतने सारे लोगों का क्या किया जाएगा। ओके गाइस, ये सबसे पहला काम जो हम लोग आज कर रहे हैं, आलू वहाँ लगा रहे हैं और फिर खूब सारे पेपर बना लेते हैं, तो खूब सारे पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए खूब सारा शुगर केन,
और इतना शुगर कैन बना लेंगे कि ये सभी बोलेंगे भाई बस अब हमारे पास का नहीं है। हाँ बहुत सारे पेपर बन गए, देख सकते हैं मेरे इन्वेंट्री में बहुत सारे पेपर। और गाइस अगर आज आप लोग को मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कमी दिखा है, वो एनर्जी नहीं दिखे, आज सबसे बड़ी बात यार आज बहुत बिजी थे, थक गए थे, लेकिन तभी वीडियो बना रहे क्योंकि हमको बनाना था, हम किसी के लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए बना रहे हैं वीडियो आज। वैसे भी हम हमेशा अपने लिए ही बनाते हैं, किसी के लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है और फिर इसको बंद करते हैं, फिर वापस खोलते हैं ताकि पानी चल जाए। ऊपर चढ़ते हैं, नीचे गिरते हैं और फिर पीछे से ऊपर चढ़ते हैं। ओके ओके तो इतने आलू हमारे पास और समझ सब कुछ, सारे आलू हमने लगा दिए। ओके और अब चलते हैं हम लोग विलेजर के पास ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग बस नहीं नहीं और ले लो और ले लो। अरे भाई अब ऐसे कैसे, और ले लो और ले लो। ओके गाइस और ये क्या है, एम्प्टी मैप? नहीं भाई एम्प्टी मैप नहीं चाहिए हमको, एम्प्टी मैप तो हम खुद भी बना लेंगे, 7 एमराल्ड देके हम बनवाएंगे क्यों। एम्प्टी मैप तो हम खुद भी बना सकते हैं। ओके गाइस तो बस अब इसका आज का बजट हिल गया। अंदर जाओ अंदर जाओ। ओके और फिर फिशिंग पे लगना है, फिशिंग वाला सारा सामान उतरी है, कोई चिंता की बात ही नहीं। ओके और हमें हमें नेम टैग ढूंढना, सबसे पहले नेम टैग ढूंढना भाई, नेम टैग ढूंढना है। ये आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर। ओके गाइस तो हम अब कुछ देर फिशिंग करेंगे और नेम टैग मिल जाता है फिर आपको बताते हैं। ओके गाइस तो बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, मैं आधे घंटे से कर रहा हूँ। मुझे एक सैडल मिल गया तो तीसरे घोड़े पे भी अब सैडल लग जाएगा। मुझे एक नेम टैग भी मिल गया जिससे मैं उसको नाम दे दूंगा। मुझे ये लॉक ऑफ द सी 3 भाई ये सब अब चाहिए ही नहीं, सच बताएं मैं गाइस मैं ये सब अब फेंक दूंगा, मैं सोच रहा हूँ। मुझे बस एक ही की ज़रूरत है यार, और कुछ नहीं चाहिए। ओके और ये वो किस चीज़ का है, अनब्रेकिंग 3 पावर 3, यस ये काम का चीज़ है। ये एक और था ना, ये अन पावर 2 था, अच्छा एक और पावर 2 मिल जाता गाइस सो बात ही बन जाता। ओके नो प्रॉब्लम। और गाइस ये तो मैंने पक्का बचा के रखा है अपने ट्राइडेंट के लिए, लॉयल्टी 3 भाई बहुत मज़ा आ जाएगा फिर। और गाइस ये ट्रॉपिकल फिश मिली है और ये शेल मिला है, यस बस इतना रात भर का काम हो गया। अब सुबह उठते हैं, सुबह क्या उठते हैं, अब हम लोग तुरंत चलते हैं एनविल के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं। नाम क्या दें इसको, इसको क्या नाम दें हम, एक काम करते हैं ये टैग रहने देते हैं। अगर अभी तक कोई मेरा दोस्त वीडियो मेरा देख रहा है भाई तो हमको नाम बताओ, हमको नीचे एक नाम सजेस्ट करो मेरे चौथे विलेजर के लिए प्लीज़। 3 विलेजर्स का नाम मैंने दिया, चौथे वाले का प्लीज़ सजेस्ट मी। और हम इसको रख देते हैं बचा के इस चेस्ट में, यहाँ पे याद रखना भाई, इधर ऊपर रखें ठीक। और हम ब्रेड खा लेते हैं। सो यस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले हैं अभी आकर। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये बेकार है तो अभी और बढ़िया आने वाला है, और अगर तुमको ये बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर लो भाई क्योंकि अभी इससे भी बढ़िया आएगा। सो बाय और सो जाते हैं, रात हो गया, इधर भी रात है उधर भी रात है। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।